स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में बताया था। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होता है जिसके थ्रू कोई दूसरा प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज जो है हम मैन्युफैक्चरर करते हैं, फॉर्म करते हैं फॉर कंज्यूमर्स। इसमें आपको प्रोडक्शन गुड्स और सपोर्टिव गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया। इंडस्ट्रियल गुड्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन गुड्स और सपोर्टिव गुड्स। प्रोडक्शन गुड्स वो है जिसकी हेल्प से हम दूसरा कोई प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं, जिसको यूज़ करके, आप ये कह लीजिए कि जो प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो जाता है वो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन गुड्स कहलाता है। और दूसरा इसमें आता है सपोर्टिव गुड्स। सपोर्टिव गुड जो है वो होता है जिसकी हेल्प से हम कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिनसे हम प्रोडक्ट जो है फॉर्म करके कंज्यूमर प्रोडक्ट तैयार करते हैं इंडस्ट्री में, उनकी हेल्प से जो हम तैयार करते हैं प्रोडक्ट, तो वो उस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हेल्प हम ले रहे हैं वो सपोर्टिव गुड्स में आते हैं, जैसे मशीनरीज, टूल्स वगैरह, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इन्हीं की हेल्प से जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। तो सपोर्टिव गुड्स और प्रोडक्शन गुड्स, इस तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ये सब इसमें ही डिटेल में आएंगे। अब तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स में सबसे पहले जो है आता है वो है प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट और कैपिटल आइटम्स। टू मेक एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पॉसिबल, कैपिटल आइटम्स आर यूज्ड। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, लार्ज इंडस्ट्री हो, उसके लिए आपको कैपिटल आइटम्स की जो नीड्स है वो पढ़नी ही पड़नी, उसके बिना आप इसे मतलब बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दे आर इम्पॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कैपिटल आइटम जनरली फॉल अंडर द एसेट कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। ये बिजनेस की या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो बैलेंस शीट होती है उसकी एसेट कॉलम में लिखी जाती हैं। दीज आर आइटम्स नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी यूजफुल टू बी इन्वेस्टेड इन फॉर द लॉन्ग टर्म। और दूसरी बात, इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट वाला आइटम होता है, यूजफुल होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी इसमें हाई होती है, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी इसमें ध्यान से की जाती है, क्योंकि अगर हमारी ये इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो कैपिटल आइटम्स होते हैं इनमें आप ये रख सकते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो कैपिटल आइटम्स में रखी जाती हैं, जिनके थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाती है। दूसरी बात, ये आप हम सब जानते हैं कि इन्हें जो है कैपिटल आइटम्स को जो है वो बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में दिखा जाता है, वहाँ शो किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो लेस करके तब इसको जो है दिखाया जाता है। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स और कैपिटल आइटम जो हैं ये इंडस्ट्रियल गुड्स का ही एग्ज़ाम्पल हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करके, मास प्रोडक्शन करके कंज्यूमर तक पहुंचाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्शन मटेरियल्स। रॉ मटेरियल विच हैज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज क्लासिफाइड एज
manufactured material. And many a times small manufacturers small parts which are used in large machines like an automobile. देखिए production material, जिसको कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि production material वो material है जिसके through फाइनली कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए तैयार किया जाता है. एक तो होता है कि डायरेक्ट ही कोई प्रोडक्ट जो है वो किसी रॉ मटेरियल से तैयार हो गया, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग जो हैं मटेरियल, अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनको असेंबल करके फिर एक नए प्रोडक्ट की शेप में आते हैं. जैसे कि आप ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाइक है, स्कूटर है, कार हैं, इनमें अलग अलग तरह के जो गुड्स हैं वो असेंबल किए जाते हैं, तब जा कर के ये एक फॉर्म बनती है कि ये मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या कार है. जैसे उसमें यूज़ होने वाली लाइट्स, बैटरीज, टायर्स, तो ये सब जो है अपने आप में एक प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल है. अब वो प्रोडक्ट जो है इनमें यूज़ करके इन्हें भी जो है एक अलग प्रोडक्ट की शेप दी जा रही है, तो ये सारे उस प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं, ये अपने आप में भी एक प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट का यूज करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाना, इसे इसमें जो है हम जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसके जिसको प्रोडक्ट को यूज करके हम कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो इसे हम प्रोडक्शन मटेरियल के नाम से जानते हैं. एक तो होता है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हमने यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाया, और अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग जो है गुड्स का हमने यूज करके उन्हें असेंबल करके फिर एक नया गुड जो है वो प्रिपेयर करा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है जो कि कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करने के लिए हमने प्रिपेयर किया है. तो प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बनाना, ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ही एग्जांपल है. इसके बाद थर्ड आता है इसमें प्रोडक्शन सप्लाईज. सप्लाईज आर ऑफ टू टाइप्स. प्रोडक्शन सप्लाईज यानी जो प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली मटेरियल हैं या जो प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली मशीनरी है उन्हें हम प्रोडक्शन सप्लाईज कहते हैं. सप्लाईज आर टू टाइप्स, फैक्ट्री सप्लाईज एंड ऑफिस सप्लाईज. सप्लाईज को हम यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो वो सप्लाईज जो फैक्ट्री में यूज़ हो रही है डायरेक्टली प्रोडक्शन करने में, और एक होता है जो सप्लाई हमारी ऑफिस में यूज़ हो रही है, जिस ऑफिस के थ्रू हम बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेल्स, टूल्स, नट एंड बोल्ट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड फैक्ट्री सप्लाईज. फैक्ट्री में जो यूज़ होने वाले नेल्स हैं, टूल्स हैं, नट बोल्ट हैं, अदर देन जो टूल्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं मशीनरी में, लुब्रिकेंट्स हैं, ये सब जो होती हैं प्रोडक्शन सप्लाईज कहलाती हैं. टाइम टू टाइम इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आती हैं क्योंकि इनका इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है. और इसके बाद जो है ऑफिस सप्लाईज के अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसमें आता है पेपर, पेन, इंक, कार्बन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफिस सप्लाई. यानी ऑफिस में क्या है जो सप्लाई यूज होती है, जैसे पेपर हो गया, पेन हो गया, इंक हो गई, कार्बन या एक्सेट्रा, कोई भी जो है फाइल होल्डर्स, फाइल्स, ये सब जो आती हैं, ये सब जो हैं ऑफिस सप्लाईज में आती हैं, जिनका कि प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, क्योंकि ऑफिस भी हमने, ऑफिस के जो एक्सपेंसिस हैं वो भी सब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट से, प्रोडक्ट जो सेल है हमारी उसी से निकालने हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करने हैं, तो इसलिए ये सप्लाईज जितनी भी हैं वो सब भी जो है प्रोडक्शन सप्लाईज में ही काउंट की जाती हैं, क्योंकि इनका इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन से ही रिलेशन होता है. तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ या आप कह लीजिए कैपिटल आइटम्स, जिनमें कि मशीनरीज वगैरह आती हैं, प्लांट आता है. इसके बाद सेकंड नंबर पर आती हैं इसमें प्रोडक्शन मटेरियल्स. प्रोडक्शन मटेरियल्स में आप वो मटेरियल ले सकते हैं जिस मटेरियल से हम यूज़ करके या जिस गुड्स को हम यूज़ करके एक अदर प्रोडक्ट जो है या अदर जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं. और इसके बाद थर्ड नंबर पर इसमें आती हैं प्रोडक्शन सप्लाईज. प्रोडक्शन सप्लाईज में जो है हम इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फैक्ट्री सप्लाईज एंड ऑफिस सप्लाईज. प्रोडक्शन सप्लाईज में आती हैं जो फैक्ट्री सप्लाईज हैं उनमें नेल, टूल्स, नट बोल्ट्स वगैरह ये आते हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए होते हैं.
और इसके साथ साथ जो ऑफिस में हेल्प करने वाली सप्लाईज होती हैं जैसे पेपर, पेन, इंक, कार्बन वगैरह, ये सब जो है ऑफिस सप्लाईज में काउंट किए जाते हैं।